अस्सलामुअलैकुम बच्चों, आज हम लोग जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं दैट इज़ बर्थ। चैप्टर नंबर 18 में आपके पास ऑलमोस्ट लास्ट, उसके बाद टेस्ट ट्यूब बेबीज एंड एसटीडीज आती हैं, लेकिन ये बर्थ का आपके पास एक टॉपिक है। आप लोग जानते हैं कि इंसानों के अंदर जो बर्थ होती है, मतलब उसका जो गेस्टेशन पीरियड होता है, गेस्टेशन पीरियड का मतलब होता है वो वाला टाइम पीरियड जिसमें बेबी पूरा बनता होता है, पूरा जो प्रॉपर उसकी फॉर्मेशन होती है, उसका साइज बढ़ता है, वो होता है। इंसानों के अंदर जो गेस्टेशन पीरियड है दैट इज़ ऑफ 280 डेज, 280 दिन या फिर 9 महीने का होता है। ये एमसीक्यूज के एतबार से इंपॉर्टेंट है कि इंसानों के अंदर जो गेस्टेशन पीरियड है वो कितना है, दैट इज ऑफ 280 डेज और 9 मंथ्स। सो ये आपके पास एमसीक्यूज है। बर्थ एक बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। अब जो सबसे पहले हम बर्थ में डिस्कस करते हैं रोल ऑफ प्लेसेंटा एंड प्रोजेस्टिरोन। चैप्टर नंबर 17 में आपने प्रोजेस्टिरोन के बारे में पढ़ा था कि प्रोजेस्टिरोन एक ऐसा हार्मोन है विच इज़ बर्थ कंट्रोल पिल। बर्थ कंट्रोल पिल का मतलब होता है कि इसने बच्चे को माँ की बॉडी के अंदर रिटेन करके रखना होता है, यानी कि मदर की बॉडी के अंदर उसको रखेगा ताकि वो बॉडी से बाहर एक्सपेल ना हो। अगर प्रोजेस्टिरोन के लेवल में ज़रा सा भी फर्क आता है, यानी कि प्रोजेस्टिरोन का लेवल डाउन होता है फीमेल की बॉडी के अंदर, तो बेबी एक्सपेल हो जाता है, यानी जो बच्चा होता है या एम्ब्रियो होता है वो रिटेन नहीं रहता, बॉडी के बाहर निकल जाता है, यानी कि अबॉर्शन हो जाता है या मिसकैरेज हो जाता है अगर प्रोजेस्टिरोन के लेवल में ज़रा सा भी डिक्रीज हो तो। सो यहाँ पर आपके पास आता है प्लेसेंटा। प्लेसेंटा क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल बच्चों, ये आपके पास एक जो है एमनियोटिक सैक है। एमनियोटिक सैक वो वाली सैक जिसके अंदर बच्चा और एम्ब्रियो मौजूद होता है, ठीक हो गया। सो ये आपके पास फॉर एग्जाम्पल कोई बेबी, इसको हम इस तरह ड्रॉ कर लेते हैं, ये बेबी है। तो यहाँ पे माँ और बच्चे के दरमियान ये एक वैस्कुलराइज्ड एरिया, बहुत ज़्यादा ब्लड वेसल्स वाला एक एरिया होता है जिसको हम नाम देते हैं प्लेसेंटा का। ये प्लेसेंटा है, ये एमनियोटिक सैक है, ये एमनियोटिक फ्लूड इसके अंदर होता है, एमनियोटिक फ्लूड। और जो इसकी बाहर वाली मेम्ब्रेन होती है दैट इज नोन एज कोरियोन, और ये अंदर हमारे पास है फीटस। ये मदर की बॉडी, इस तरफ मदर की बॉडी है, ये मदर का जो बेबी बम्प होता है, समझे, वो है आपके पास। सो यहाँ पे आपके पास होता क्या है, माँ और बच्चे के दरमियान एक लिंक होता है, मेम्ब्रेन, एक थिन मेम्ब्रेन का एक लिंकेज होता है जो के कहलाता है आपके पास प्लेसेंटा, ठीक हो गया। प्लेसेंटा के अंदर बहुत ज़्यादा ब्लड वेसल्स होती हैं, ब्लड सप्लाई बहुत ज़्यादा होती है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है वैस्कुलराइज्ड स्ट्रक्चर। वैस्कुलराइज्ड का मतलब होता है कि हाईली ब्लड वेसल्स से इनरिच्ड होता है, इनरिच्ड विद ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल्स बहुत ज़्यादा होती है इसके अंदर। एंड ये हमारे पास होता है लिंकेज बिटवीन यूट्रस एंड एम्ब्रियो, जो एम्ब्रियो बनता है जाइगोट से उसके और माँ के दरमियान, माँ का जो यूट्रस होता है, वोम्ब होता है, उसके दरमियान में ये लिंकेज होता है। इस लिंकेज का मकसद क्या होता है, ये लिंकेज क्यों होता है? इस लिंकेज का मकसद होता है एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट्स, माँ और बच्चे के दरमियान न्यूट्रिएंट एक्सचेंज होना, क्योंकि बच्चे को भी तो न्यूट्रिएंट्स चाहिए। गैसेस का तबादला, वो कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, इन गैसेस का तबादला होता है माँ और बच्चे के दरमियान। एंड वेस्ट मटेरियल, बच्चे की बॉडी के अंदर जो वेस्ट होता है उसको माँ के थ्रू जो है वो बाहर भेजा जाता है। सो ये वेस्ट का भी बच्चे और माँ के दरमियान जो है वो तबादला करवाने में हेल्प आउट करता है। अब प्लेसेंटा का खाली इतना रोल नहीं होता है, प्लेसेंटा ने सिक्रीट करना होता है कोरियोनिक गोनेडोट्रोफिन हार्मोन। अब ये गोनेडोट्रोफिक हार्मोन कहाँ से आता है, फ्रॉम कोरियोन। कोरियोन हमारे पास क्या होती है, ये हमारे पास आउटर मेम्ब्रेन होती है, बाहर वाली मेम्ब्रेन होती है किसकी, एमनियोटिक सैक की। एमनियोटिक सैक, सैक कहते हैं बच्चों बोरी को, ये एमनियोटिक सैक वो हमारे पास एक थैलस होता है जिसके अंदर एम्ब्रियो बच्चा होता है, ठीक है, आपको अब ये समझ आएगी। और एमनियोटिक सैक की जो बाहर वाली मेम्ब्रेन होती है उसको हम कोरियोन का नाम देते हैं। कोरियोन के अंदर से कौन सा हार्मोन रिलीज करेंगे, कोरियोनिक गोनेडोट्रोफिन। ये किसके तौर पर एक्ट करते हैं, LH एंड LTH न्यूट्रिनाइजिंग हार्मोन के तौर पर ये एक्ट करते हैं। इसके अलावा जो ये जो हमारे पास कोरियोन होती है इसने सिक्रीट करना होता है प्लेसेंटल लैक्टोजन। लैक्टोजन जो होता है
आप लोगों ने बच्चों अक्सर दूध बच्चों के देखे होंगे उसके ऊपर लैक्टोजन लिखा हुआ होता है, ठीक है, आपके पास ये मार्केट में दूध मिल रहा होता है। लैक्टोजन जो होता है प्लेसेंटल लैक्टोजन हार्मोन, इसने एक्चुअली मदर के अंदर मेमरी ग्लैंड यानी जो मिल्क प्रोड्यूस करने वाले ग्लैंड होते हैं उसको एक्टिव करना होता है ताकि उसके अंदर से मिल्क प्रोड्यूस हो सके, क्योंकि ज़्यादा बच्चा पैदा होगा तो उसको फूड चाहिए होती है इन द फॉर्म ऑफ मिल्क, तो वो मिल्क प्रोड्यूस करवाते होते हैं, सो इस वजह से वो लैक्टोजन नाम रखा हुआ होता है। सो ये प्लेसेंटल लैक्टोजन भी सिक्रीट करता है जिसने मदर के मेमरी ग्लैंड को स्टिम्युलेट करना होता है फॉर द मिल्क प्रोडक्शन। सो ये आपके पास है प्रोजेस्टेरोन का हमने डिस्कस कर लिया कि ये बर्थ कंट्रोल पिल है, अगर इसके अंदर कोई प्रॉब्लम हो जाएगा तो क्या होगा, एबॉर्शन और मिसकैरेज। देन आता है रोल ऑफ एमनियोन। हमने पढ़ा कि बच्चा जिस बोरी जिस थैले के अंदर होता है वो क्या कहलाता है, एमनियोटिक सैक। ये प्रोटेक्शन के लिए होता है, ये प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन होती है बच्चे के बाहर। एमनियोटिक सैक जो होती है ये सराउंड करती है एम्ब्रियो को, और फिर जाहिर है जैसे जैसे एम्ब्रियो का साइज बड़ा होता है एमनियोटिक सैक जो है वो एक्सपेंड करती है, जिसकी वजह से मदर की बॉडी के अंदर भी आप बहुत प्रोमिनेंट देख सकते हैं कि चेंजेस आ रहे हैं, क्योंकि बच्चा जैसे जैसे बड़ा हो रहा है वो एमनियोटिक सैक भी वैसे वैसे एक्सपेंड होती जाती है। इसके अंदर होता है एमनियोटिक फ्लूड, ये आपके पास है एमनियोटिक फ्लूड, एक पानी सा होता है इसके अंदर। ये एमनियोटिक फ्लूड का काम होता है शॉक को एब्जॉर्ब करना। अब ऐसा तो नहीं होता ना बच्चों कि अगर कोई प्रेग्नेंट फीमेल है तो उसने चलना नहीं है, फिरना नहीं है, जंप नहीं करना, ऊपर नीचे नहीं आना, वो सब काम करती है, लेकिन उन सब शॉक्स से बच्चे को बचाने के लिए हमारे पास होता है एमनियोटिक फ्लूड जिसने वो सारे शॉक को एब्जॉर्ब करते रहना होता है, बच्चे को कोई नुकसान ये होने नहीं देता। सो एमनियोन का जो मेन फंक्शन है दैट इज प्रोटेक्शन ऑफ द बेबी, जो एम्ब्रियो है जो फिटस है उसकी इन्होंने प्रोटेक्शन करनी है माँ की बॉडी के अंदर। देन आपके पास जो नेक्स्ट आता है दैट इज लैक्टेशन। हमने यहाँ पे पढ़ा कि जो प्लेसेंटा होता है उसने क्या रिलीज करना होता है, प्लेसेंटल लैक्टोजन, ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन, जिसने स्टिम्युलेट करना होता है डेवलपमेंट ऑफ मेमरी ग्लैंड, मेमरी ग्लैंड फॉर लैक्टेशन। लैक्टेशन का मतलब होता है मिल्क प्रोडक्शन, जो फीमेल के अंदर मिल्क प्रोडक्शन होती है इसने उसके लिए मेमरी ग्लैंड। बच्चों यहाँ पे देखें ये स्पेलिंग मेमरी, ये मेमरी दूसरी मेमरी नहीं है, ये मेमरी है, मेमरी ग्लैंड जो कि मिल्क प्रोडक्शन के लिए फीमेल्स के अंदर जो है वो प्रेजेंट होते हैं। देन बच्चों ऑर्गेनोजेनेसिस, ऑर्गेनोजेनेसिस, ऑर्गेनो मीन्स ऑर्गन, जेनेसिस मीन्स फॉर्मेशन। फिटस जब 3 माह तक, पहले जो तीन जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर होता है बच्चों, 3 ट्राइमेस्टर होते हैं, ट्राइमेस्टर मीन 3 महीनों का कट, पहला ट्राइमेस्टर, दूसरा ट्राइमेस्टर, तीसरा ट्राइमेस्टर, पहले 3 महीने, दूसरे 3 महीने, आखिरी 3 महीने। जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर होता है यानी पहले जो 3 महीने होते हैं उसके अंदर बच्चे के सारे ऑर्गन की डेवलपमेंट हो जाती है, यानी बच्चा पूरा बन जाता है। जो बाकी के 6 महीने होते हैं उसमें जो फिटस बनता है उसने सिर्फ ग्रो करना होता है, साइज में बड़ा होना होता है और उसके अंदर थोड़ी बेहतरी आती है। अब जो बच्चा बनना था वो बन चुका है, पहले 3 महीने में हमारे पास जो डेवलपमेंट है वो मुकम्मल हो जाती है, आखिरी 6 महीने में उसकी सिर्फ ग्रोथ होनी होती है। यहाँ तक आपके पास था कि बेबी जो बनता है वो किस तरह बनता है, बेबी बन गया, पूरी डेवलपमेंट 9 माह में पूरी हो गई, तो अब आपके पास स्टार्ट हो जाता है बर्थ का प्रोसेस के बर्थ होती किस तरह है। अगर हम प्रोसेस ऑफ बर्थ देखें तो सबसे पहले स्टिम्युलेशन फॉर बर्थ, बर्थ जब स्टार्ट होनी है तो उसके लिए कहाँ से स्टिम्युलेशन आती है, कहाँ से उभार आता है कि ये आना है। पहले पहले ये सोचा जाता था कि सिर्फ माँ की बॉडी के अंदर ही चेंजेस होते हैं जिसकी वजह से बच्चा पैदा हो जाता है, लेकिन बाद में ये प्रूव हुआ कि नहीं, खाली माँ जो होती है वो बर्थ में रोल प्ले नहीं करती बल्कि बच्चा खुद भी बर्थ में रोल प्ले करता है। किस तरह, जो बच्चे का फीटल, फीटल मींस बच्चे का जो पिट्यूटरी ग्लैंड होता है वो रिलीज करता है एडिनोकॉर्टिकोट्रोफिक हार्मोन। आपने पढ़ा था कि पिट्यूटरी ग्लैंड के इंटीरियर लोब से क्या रिलीज होते हैं, एडिनोकॉर्टिकोट्रोफिक हार्मोन। सो एडिनोकॉर्टिकोट्रोफिक जो हार्मोन होता है ये एड्रीनल ग्लैंड की सिक्रीशन कंट्रोल करता है, ये हमने चैप्टर 17 में पढ़ा था। एड्रीनल ग्लैंड जो होता है उसको स्टिम्युलेट करता है कि वो अपने अंदर से कॉर्टिकोस्टेरॉइड हार्मोन को रिलीज करे। जब कॉर्टिकोस्टेरॉइड रिलीज होता है बच्चे की बॉडी के अंदर तो ये चला जाता है मदर की ब्लड सर्कुलेशन के अंदर। मदर की जैसे ही ये ब्लड सर्कुलेशन के अंदर जाएगा तो ये प्रोजेस्टेरोन को गिरा देता है।
अब प्रोजेस्टेरोन का काम क्या था? बच्चे को माँ की बॉडी के अंदर होल्ड करके रखना, उसको अंदर रिटेन रखना। जैसे ही बच्चे के पिट्यूटरी ग्लैंड से ACTH एड्रिनोकॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन बच्चे के एड्रिनल ग्लैंड के अंदर से कॉर्टिकोस्टेरॉइड रिलीज करवाएगा, वो जाएगा माँ के ब्लड सर्कुलेशन के अंदर, और माँ से जब वो ब्लड सर्कुलेशन के अंदर आएगा तो माँ के प्रोजेस्टेरोन को क्या कर देगा? बहुत डाउन कर देगा। जैसे ही प्रोजेस्टेरोन डाउन करता है तो माँ की बॉडी के अंदर पेन स्टार्ट होती है, जिसको हम नाम देते हैं लेबर पेन का, जो बर्थ के लिए पेन होती है, दैट इज लेबर पेन। जैसे ही प्रोजेस्टेरोन का लेवल डिक्रीज करता है तो एक और हार्मोन जो है वो रिलीज होना स्टार्ट हो जाता है, दैट इज ऑक्सीटोसिन फ्रॉम द पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड ऑफ द मदर। वहां से आपके पास क्या रिलीज होना शुरू हो जाता है? ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन ने लेबर पेन इंड्यूस करवानी होती है, माँ की बॉडी के अंदर वो पेन लेके आनी होती है। वो इतनी स्ट्रॉन्ग होती है पेन कि बच्चे को बाहर बॉडी से एक्सपेल करती है, फोर्स करते हैं बेबी को कि वो बॉडी से बाहर एक्सपेल करे। जिन फीमेल्स को ये लेबर पेन इंड्यूस नहीं होती है उनको आर्टिफिशली इंजेक्शन के थ्रू ऑक्सीटोसिन दिया जाता है ताकि लेबर पेन इंड्यूस हो सके। सो ये आपके पास हो गया लेबर पेन। देन आता है प्रोसेस ऑफ बर्थ। आपने बच्चों पढ़ा था कि जो आपके पास होता है ऑक्सीटोसिन, इसने सर्विक्स को डायलेट करना होता है। सर्विक्स हमारे पास वो नेक लाइक ओपनिंग होती है जो वेजाइना के बाहर मतलब ओपन होती है। ये यूट्रस है, तो यूट्रस के नीचे जो हमारे पास नेक लाइक ओपनिंग होती है दैट इज सर्विक्स, ये यूट्रस, और ये नीचे हमारे पास वेजाइना। वेजाइना से बेबी बाहर एक्सपेल किया जाता है। जब हमारे पास लेबर पेन इंड्यूस होती है तो सर्विक्स ऑटोमेटिकली डायलेट होना शुरू हो जाता है, ठीक हो गया। ऑलमोस्ट 9 to 10 inches इसने डायलेट करना होता है, खुलाना होता है, एक्सपेंड होना होता है। अब यूट्रस के जो वॉल्स होती है इसके अंदर कॉन्ट्रैक्शन होती है, टॉप से बॉटम यानी ऊपर से नीचे तक ये स्ट्रॉन्ग होती है, ऊपर और नीचे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होना शुरू हो जाते हैं ये पेन्स, यहाँ से नीचे की तरफ ये पेन्स आती हैं। सो ये जब पेन इंड्यूस होती है तो ये बेबी को बाहर की तरफ पुश करती है, यानी नीचे की तरफ डाउनवर्ड पुश करती है बेबी को। सो जब बेबी को डाउनवर्ड पुश करते हैं तो जाहिर है बेबी बॉडी से बाहर एक्सपेल हो जाता है, यानी बाहर निकल आता है। जब बेबी बाहर एक्सपेल होता है तो उसके साथ एक लंबा सा एक स्ट्रक्चर लगा हुआ होता है, एक रस्सी के जैसे, एक रोप के जैसे स्ट्रक्चर होता है जिसको हम नाम देते हैं अम्बिलिकल कॉर्ड। अम्बिलिकल कॉर्ड जो होती है ये माँ और बच्चे के दरमियान जो कनेक्शन होता है, जो बाद में नाफ जो है वो बन जाती होती है, जिसको बैली बटन कहते हैं, वो बताएं। सो यहाँ पे अब अम्बिलिकल कॉर्ड लाइगेट कर देंगे, उसको वहाँ से काट देंगे, बच्चे से सेपरेट कर देंगे उसको। देन आता है आफ्टर बर्थ। जब बेबी पैदा हो जाता है तो करीबन 10 से 45 मिनट के दरमियान, अब जाहिर है ये बच्चों प्लेसेंटा भी तो अंदर बना था, ये प्लेसेंटा माँ की बॉडी के अंदर से रिमूव होना ज़रूरी है। सो ये प्लेसेंटा जो है मदर की बॉडी से यूट्रस की कॉन्ट्रैक्शन की वजह से बाहर निकल जाता है, सो इसको हम नाम देते हैं दैट इज आफ्टर बर्थ। और जो ब्लड वेसल्स होती हैं यूट्रस के अंदर वो कॉन्ट्रैक्ट करना स्टार्ट कर देती हैं। अब ब्लड वेसल्स जब कॉन्ट्रैक्ट करती हैं तो वो ब्लड को रोक देते हैं ताकि मजीद ब्लड लॉस ना हो। एवरेज ब्लड लॉस जो है 350 cm³, या फिर आप इसको कह सकते हैं कि ये 350 ml है, जो कि थोड़ा सा आधे लीटर से कम होता है। 350 ml, आधे लीटर में 500 ml होते हैं। सो ये हमारे पास एवरेज ब्लड लॉस है, इंपॉर्टेंट MCQs है, और यहाँ पे ये हमारे पास इंपॉर्टेंट MCQs है। वैसे एक इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, आज हमने बच्चों डिस्कस किया है बर्थ। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।